बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज के बारे में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। हज 2022 का, जैसा कि सबको पता होगा कि ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान को भी कोटा मिल चुका है, ठीक है। तो इस हवाले से मैं डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है जी। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते रहते, पूछते, सवालात करते, तो सब सवालात, सारे सवालातों के जवाबात इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पूरी डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा। हज का प्रोसेस किया है इस साल, ठीक है जी, कितने लोग जा सकते हैं, एप्लीकेशन तरीक़ेकार क्या है, और ड्यू डेट कब है, लास्ट डेट कुरानदाजी कब है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ इस वीडियो में तफसील से मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। उससे पहले एज़ यूजुअल मैं बताता रहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को फ्लाई विद स्काईलाइन ट्रेवल एंड टूर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो हज के हवाले से, उम्रा के हवाले से, वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए और आपको नोटिफिकेशन आए उसको देखने सुनने के लिए, ठीक है जी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया है, सऊदीया ने अपना कोटा इशू कर दिया है, टोटल इस साल जो हज पे लोग जाएंगे सऊदीया के अंदर और बाहर से, वो 10 लाख लोग फरीज हज अदा करेंगे 2022 में, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हज कम्प्लीटली ओपन हो गया फॉर ऑल मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। तो ये एक बहुत खुशी की खबर है। पिछले 2 साल से हज जो मतलब उस तरीके से नहीं कराया गया, बहुत कम कोटा मिला था और बहुत तो रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। पाकिस्तान को जो कोटा मिला है वो टोटल है 81,132 लोग पाकिस्तान से जाएंगे, 81,132 ये कोटा पाकिस्तान को मिला है, जो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत है ये, ठीक है जी। इसमें 31,132 में 40% लोग सरकारी स्कीम के तहत जाएंगे और 60% कोटा फिर प्राइवेट लोग जाएंगे, ठीक है जी। तो ये टोटल 81,000 में से तकरीबन जो 40% और ये निकाल लो तो गवर्नमेंट की तरफ से 32,452 बंदे जाएंगे हाजी, और प्राइवेट 48,680 लोग जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कोटा मैंने बता दिया आपको, और इसमें अब हज एप्लीकेशन तो ज़ाहिर है स्टार्ट हो चुका है 1 मई से, 13 मई, 13 मई, अभी भी 3 दिन बाकी है। 1 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और 9 मई से बैंकों में लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद से फिल कर सकते हैं, वो तो घर बैठ के भी कर सकते हैं, उसके लिए जो वेबसाइट है hajinfo.org, इसको खोल के उसके अंदर जाके फिर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी और बाकी फॉर्म शाम वो मैं अभी बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ लिखना है और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें ज़रूरी है उसमें मेंशन करना, ठीक है जी। और जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते तो वो बैंक जाके, जो भी बैंक है डिजिग्नेटेड ब्रांचेस जो है, कुछ बैंक्स है जो ऑनलाइन भी उनकी कमर्शियल आ रही है, और बैंक में जाके पता भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और 50,000 रुपये उसमें जमा कराने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ। क्योंकि पहले तो ये था कि आपने हज एप्लीकेशन जब सबमिट करना होता था तो उसके साथ पूरी अमाउंट, हज की पूरी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती, इस दफ़ा वो वाला सीन नहीं है, सिर्फ 50,000 एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है और बाद में जब बैलेटिंग हो जाती है, कुरानदाजी हो जाती है, तो सक्सेसफुल जो एप्लीकेंट्स होंगे वो रिमेनिंग अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो ये तो हो गया प्रोसेस। 2 तरीकों से एप्लीकेशन सबमिट किए जा सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और एक बैंक में जाके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कुरानदाजी है 13 मई तक तो आप एप्लीकेशन देंगे, 15 मई को कुरानदाजी है, जिसमें जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनको इतला दिया जाएगा कि आप फलां तारीख तक अपने रिमेनिंग अमाउंट जो बाकी पैसे वो बैंक में जमा करा दें, ठीक है। तो ये 15 को कुरानदाजी है। अच्छा, टोटल अमाउंट हज पे इस साल कितना खर्चा है, तकरीबन 7 लाख से लेकर 10 लाख पर हाजी खर्चा है इस दफ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा है।
तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो जाहिर है उन्होंने तो जाना ही जाना है, तो 10 लाख तक ये अमाउंट हो सकती है, 7 लाख से 10 लाख तक। तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ये आपके जहन में हो कि इतना खर्चा होगा, ठीक है। इसके लिए कुछ शराइत इन्होंने इस दफ़ा रखी है, वो मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। जिसने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है वो भी इन बातों का ख्याल रखे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जो शर्त है, जो भी बंदा हज पे जा रहा है इस साल उसकी उम्र 65 साल तक हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है जी। 65 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो इस साल हज पे नहीं जा सकते। इसका मतलब है 15 अगस्त 1957 के बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो हज पे जा सकता है। इससे पहले जो है जिनकी एज है वो नहीं जा सकते। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रख ले। जो दूसरी सख्त शर्त है वो ये है कि जिसने पिछले 5 साल के अंदर हज किया है सरकारी कोटा में वो नहीं कर सकते दोबारा। मतलब 2015 से लेकर 2019 तक जो लोग हज जिसने हज किया है तो वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दो तो मेन शराइत है। बाकी इसके अलावा जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट इस दफ़ा मस्ट है। ये आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से फिल करके उनकी अटेस्टेशन करवानी है। वो फॉर्म जो हज मेडिकल सर्टिफिकेट का है वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी फॉर्मेट। इसको फिल करके इसमें पूरी डिटेल है कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में, इसके अलावा जो जिस जिनमें जो कोई बीमारी हो सीरियस वो सारा कुछ इसमें मेंशन होगा और उस पर डॉक्टर के सिग्नेचर स्टैम्प होगा। ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट हज 2022, इस पर सारा कुछ लिखा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ मस्ट है, ये सबमिट करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो एप्लीकेशन के साथ वो आपने देना है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका वैलिड हो 5 जनवरी 2023 तक पासपोर्ट तक में वैलिडिटी हो, और साथ कंप्यूटराइज आईडी कार्ड। अभी भी बात काफ़ी लोगों के आईडी कार्ड उर्दू वाले हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है जी। जो इंग्लिश वाला आईडी कार्ड है वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसके अलावा पासपोर्ट है, पासपोर्ट 5 जनवरी 2023 तक वैलिड हो, और नेशनल आईडी कार्ड हो, और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ें लेके बैंक जाना है, ठीक है जी, 50,000 रुपये, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करके बैंक से रसीद हासिल करना है। ये तरीक़ेकार है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप्स भी बनाना है। जो फैमिली में लोग जा रहे हैं या रिश्तेदार आपस में जा रहे हैं, 5, 10, 6, 14 तक मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है। तो जो लोग ग्रुप बनाना चाहते हैं वो अपने एप्लीकेशन में पूरा एक ग्रुप का नाम, ग्रुप में एक लीडर होता है, ठीक है जी, तो उसका नाम देना पड़ता है। इसके बारे में मैं ये बताऊं कि अगर ग्रुप बना हो, ग्रुप में पूरा ग्रुप क्या या कुरानदाजी में वो कामयाब होंगे और या पूरा ग्रुप नाकाम होगा, ठीक है जी। इसमें ये नहीं है कि एक ग्रुप बनाए 10 बंदों का, उसमें एक का नाम आ गया, 9 का नहीं आया, या 9 का नाम आ गया, 1 का नहीं, ऐसा नहीं है। या तो पूरा ग्रुप एक्सेप्ट होगा कुरानदाजी में आया होगा, और या पूरा ग्रुप रह जाएगा। ये बात जहन में रख लें, ठीक है। ग्रुप के हवाले से मैं ये भी बता दूँ, अगर कोई अकेला बंदा हो तो वो अकेला अपना एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रुप लीडर अपना नाम लिख सकता है, और अकेला भी हो एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकता है, ठीक हो गया। ट्रेनिंग के लिए यह ग्रुप ज़रूरी होता है, ताकि जो बंदे ग्रुप की शक्ल में जाए तो चलो उनको एक ही जगह पे ठहराते फिर, और सारा कुछ एक ही जगह पे जो ट्रेनिंग है वो इनको मिल जाता है। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि करोना वैक्सीन लगाओ, ठीक है जी, वो मस्ट है। करोना वैक्सीनेशन जो सऊदी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, जो उसमें हमारे पाकिस्तान में जो भी लगे सारे एक्सेप्टेड है, लेकिन जो चाइना वैक्सीन जिनका लगा हुआ है उन्होंने एक बूस्टर भी लगाया हो, तो वो ये जहन में याद रखिए कि बूस्टर लगाओ, ये लाजमी है, जो तीसरा डोज होगा।
अच्छा, इसके अलावा जो लेडीज जो खवातीन जाती है हज के लिए, तो उनके साथ महरम का होना लाजमी है, महरम के बगैर नहीं जा सकती, खवातीन एप्लीकेशन नहीं दे सकती, तो ये भी जहन में रख ले। जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उन्होंने ये भी लिखना है कि किस एयरपोर्ट से वो जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, जहाँ से भी जाना चाहते हैं वो उसमें लाजमी लिखना है एप्लीकेशन में, वो नहीं भूलना है। आईडी कार्ड और नॉमिनी का आईडी कार्ड, ठीक है जी, नॉमिनी में कोई रिश्तेदार हो अपना, ठीक है जी, ताकि किसी हादसे की सूरत में खुदा न खास्ता या कोई और इमरजेंसी हो तो उस बंदे को इन्फॉर्म किया जाए, उसका मोबाइल नंबर भी देना है एप्लीकेशन में। इसके अलावा जिसने एप्लीकेशन फिल करना है उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर लाजमी देना है, क्योंकि जिनके नाम नहीं आते कुरानदाजी में, ज़ाहिर है उनको ये पैसे वापस जाते तो फिर वो अकाउंट में वापस किए जाते हैं, ठीक है जी। जिनका वैक्सीन लगा वो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नादरा की वेबसाइट से डाउनलोड कर दीजिएगा। तो ये मेन मेन चीज़ें हैं, तो इतनी कोई मुश्किल इसमें शरायत नहीं है। ज़ाहिर है कोरोना के बाद सब लोगों ने वैक्सीन भी लगाया हुआ है, पासपोर्ट भी हर किसी के पास है और आईडी कार्ड भी है, इसमें बस ये मेडिकल सर्टिफिकेट का बनवाना ये लाजमी है। तो बाकी फीस है, फीस आपको मैंने बता दिया, 7 लाख से लेकर 10 लाख तक इस साल हज है, तो 8 लाख भी हो सकता है, 9 लाख भी हो सकते हैं, जहन में ये ज़रूर रखना है। तो ये हज के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, बाकी जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए इसमें। ये कुरानदाजी जब हो जाएगी उसके बाद फिर जो लोग प्राइवेट जाना चाहते हैं हज पे, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर जिस पे चल रहे स्क्रीन पे, तो हमारे पास अगर अवेलेबल हुआ कोटा कुछ तो हम आपको बता सकते हैं कि हमारे पास है और एप्लीकेशन आप दे दें अपना पासपोर्ट और पैसे, ठीक है जी। तो वो तो कुरानदाजी के बाद फिर बताया जाएगा। इसके अलावा जो भी हज के हवाले से या उमरा के, उमरे भी अभी स्टार्ट है, 15 शवाल तक वो वीज़े लग रहे हैं, तो उमरे के हवाले से मैं कुछ पैकेजेस शेयर करूंगा कल इंशाल्लाह, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। हज के हवाले से आज की तफसील वीडियो आप देख लीजिएगा और इसको काइंडली लाइक करें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो भी जिनके जहन में जो भी सवाल है वो ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।